हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेक फील्ड टेस्ट और ब्रेक पावर टेस्ट क्या होता है। जब भी आप गाड़ी में चार्ज लेते हैं, चार्ज लेने के बाद गाड़ी को रेडी कर देते हैं, रेडी करने के बाद गाड़ी का आपका डिपार्चर होता है, यानी कि प्रस्थान होता है। प्रस्थान के तुरंत बाद ही आपके वॉकी टॉकी में एक आवाज सुनाई देता होगा, जो भी आपके एसोसिएटेड क्रू होते हैं उनका कॉल आता है और वो बोलते हैं ब्रेक फील्ड टेस्ट डन। ट्रेन मैनेजर ऑफ फलाना ढिकाना, ब्रेक फील्ड टेस्ट डन। उसके बाद आपका जवाब क्या होता है? राइट, ब्रेक फील्ड टेस्ट ओके। तो आज की टॉपिक में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि ब्रेक फील्ड टेस्ट क्या होता है और ब्रेक पावर टेस्ट क्या होता है, दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल दोनों एक दूसरे से अलग हैं। और ये दोनों जो टर्म है, आप जरूर इससे वाकिफ होंगे अगर आप रनिंग स्टाफ हैं तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफा हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि ब्रेक फील्ड टेस्ट क्या होता है। फील का मतलब होता है अनुभव होना, आभास होना। तो जी हाँ, ब्रेक फील्ड टेस्ट यानी ब्रेक का मतलब जो गाड़ी को कंट्रोल करने का जो डिवाइस होता है उसको ब्रेक बोलते हैं, ये तो आप बखूबी जानते होंगे। तो ब्रेक फील्ड टेस्ट, टेस्ट का मतलब परीक्षण, जांच, बिल्कुल। तो ब्रेक फील्ड टेस्ट में बेसिकली क्या होता है, गाड़ी आपकी जैसे ही स्टार्ट होती है, यानी कि जहां पे हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर होता है, जहां पे आप गाड़ी चार्ज लेते हैं, चार्ज लेने के बाद गाड़ी जब रवाना होती है अपने गंतव्य स्टेशन के लिए, तो आपकी गाड़ी की जब स्पीड तकरीबन 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड रहती है ना, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड जब आपकी गाड़ी पकड़ लेती है, तो उस कंडीशन में जो आपके एसोसिएटेड क्रू जो होते हैं ना, वो ए नाइन हैंडल जो होता है वो लोगों में होता है, तो ए नाइन हैंडल से 0.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर ड्रॉप करते हैं। तो ड्रॉप करते हैं जिससे क्या होता है कि गाड़ी में ब्रेक अप्लाई होती है, और जब ब्रेक अप्लाई होगी तो गाड़ी की जो स्पीड होगी, जाहिर सी बात है कि वो कम जाएगी। तो उनके जो एसोसिएटेड जो ALP होते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट, जो आपके ALP होंगे, उनको ये नोटिस करना होता है, ये ऑब्जर्व करना होता है कि गाड़ी की जो स्पीड है वो सही में कमा है कि नहीं कमा है, और वो कितना कमाना चाहिए, जैसे 15 की स्पीड में, यानी कि ये कब होता है, गाड़ी जैसे ही आपकी स्टार्ट हुई, स्टार्ट होने के बाद जब गाड़ी की आपकी स्पीड तकरीबन 15 के आसपास जब गाड़ी पहुंच जाती है, तब उस कंडीशन में A9 हैंडल से 0.5 केजी प्रेशर ड्रॉप किया जाता है, और जिससे उस ट्रेन की जो रफ्तार होती है उस पर अंकुश लग जाती है और वो स्पीड जो है तकरीबन 10 के आसपास आ जाती है। तो इसका मतलब हुआ कि ब्रेक फील्ड टेस्ट डन हुआ और वो राइट हुआ, और उसी का आप रिप्लाई देते हैं कि ब्रेक फील्ड टेस्ट ओके, राइट, चला जाए, ठीक है। तो ये होता है ब्रेक फील्ड टेस्ट। और ये कब होता है वो तो मैंने बता दिया कि गाड़ी के स्टार्ट होने के तुरंत बाद ही, जब आपकी गाड़ी की स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार जब आ जाए, तो ये होता है ब्रेक फील्ड टेस्ट। अब हम बात करते हैं ब्रेक पावर टेस्ट। पावर का मतलब सामर्थ्य, ताकत, शक्ति। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप कोई गाड़ी, किसी भी प्रकार की गाड़ी की आप बात कर लीजिए, आप इवन साइकिल की बात कर लीजिए, आप साइकिल, अब अगर वो साइकिल आपकी अपनी है तब तो भाई आप उसके ब्रेकिंग से आप जरूर वाकिफ होंगे, लेकिन अगर दूसरा का साइकिल आपको दे दिया जाए तो चलाने से पहले है ना, आप एक बार तो उसका ब्रेक फील्ड टेस्ट कीजिएगा ना जी, है ना। तो वही चीज होता है, अब डेली एक ही ट्रेन में थोड़े मिलता है, वो तो चेंज होते रहता है, तो इसीलिए जरूरी होता है ब्रेक फील्ड टेस्ट और ब्रेक पावर टेस्ट जरूरी होता है। अब हम ब्रेक पावर टेस्ट की बात करते हैं, तो ब्रेक पावर टेस्ट क्या होता है ना, ये कोचिंग ट्रेन के केस में कुछ अलग होता है और गुड्स ट्रेन के केस में कुछ अलग होता है। अलग होता है वो स्पीड के मामले में। तो अगर हम कोचिंग ट्रेन की बात करें, कोचिंग यानी कि मेल एक्सप्रेस या फिर जो भी है, तो अगर हम कोचिंग ट्रेन की बात करें तो कोचिंग ट्रेन जैसे ही वो ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश होती है, ब्लॉक सेक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, एडवांस स्टार्टर के बाद, है ना। तो जैसे ही गाड़ी आपकी ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश कर जाती है, तो प्रवेश करने के ठीक बाद, और वहां पे स्पीड ये देखा जाता है कि कोचिंग ट्रेन के केस में गाड़ी जो है 60 से 70 का स्पीड कम से कम उसका होना चाहिए, कोचिंग ट्रेन के केस में 60 से 70 का स्पीड होना चाहिए। तो जब 60 से 70 का स्पीड जब पहुंच जाता है, तब उस कंडीशन में A9 हैंडल से 1 kg का प्रेशर ड्रॉप किया जाता है, और जब 1 kg का प्रेशर ड्रॉप किया जाएगा तब उसका स्पीड जो है, ज्यादा प्रेशर ड्रॉप किया गया तो गाड़ी तो भाई कंट्रोल होगा ना करेगा, तो ALP जो होंगे वो ये ऑब्जर्व करेंगे, है ना, उसमें स्पीडोमीटर भी होता है, तो वो ये ऑब्जर्व करेंगे कि गाड़ी का स्पीड जो है
कितना हुआ 30 से 35 तक आ गया, तो इसका मतलब कि ब्रेक पावर टेस्ट ओके हुआ, ठीक है। अब हम बात करते हैं गुड्स ट्रेन के केस में, तो गुड्स ट्रेन में भी दो केस है। अगर वो गुड्स ट्रेन लोडेड है तो लोडेड कंडीशन के केस में ये किया जाएगा, कहाँ पे किया जाएगा, सेम वही ब्लॉक सेक्शन में घुसते ही, घुसने के साथ ही किया जाता है। तो लोडेड ट्रेन के केस में 1 kg प्रेशर ड्रॉप किया जाता है और गुड्स ट्रेन का स्पीड 40 से 50 होगा, कितना होगा 40 से 50। तो वो जो स्पीड है 1 kg प्रेशर ड्रॉप करने के बाद अगर वो 20 से 25 का स्पीड आ जाता है, मतलब कंट्रोल हो जाता है, इसका मतलब कि ब्रेक पावर टेस्ट ओके हुआ। तो ये होता है ब्रेक पावर टेस्ट। लेकिन अगर गुड्स ट्रेन एम्प्टी कंडीशन में है तो एम्प्टी कंडीशन में क्या होगा, 1 kg प्रेशर ड्रॉप ना करके वहां पे 0.5 kg यानी कि आधा kg ही प्रेशर ड्रॉप किया जाएगा और स्पीड तो वही रहेगा 40 से 50 ही रहेगा। तो अगर वो 40-50 का स्पीड जो है 20 से 25 के आसपास आ जाता है, इसका मतलब कि गाड़ी में ब्रेकिंग बढ़िया है, इफेक्टिवनेस है, मतलब इफेक्टिवली अप्लाई हो रहा है। तो ये चीज होता है और ये करना जरूरी होता है क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में, हालांकि इमरजेंसी ब्रेक तो होता ही है, तो ये भी जरूरी होता है ताकि हम अपने डिजायर्ड लोकेशन पे गाड़ी को हम कंट्रोल कर सकें। तो यही था ब्रेक फील्ड टेस्ट और ब्रेक पावर टेस्ट। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को अगर आप हमारे चैनल पर पहले तक आए हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद और टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय रेल।